अभी नारद जी की इच्छा है हम भी ब्रज गोपियों की भाव प्राप्त हो। बोले कैसे प्राप्त होएगी? बोले गिरिराज की कृपा बगैर मिल नहीं सकता है, इसलिए श्री नारद जी भी आकर के नारद कुंड में वहां पर भजन किए। इसलिए जितने सब के सब शंकर जी चकलेश्वर महादेव रूप में, वहां पर ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत रूप में, इसलिए सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की चरण के उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ, यहाँ तक भी हमारे गुरु जी अभी यहाँ पर गिरधारी गौड़िया मठ है। हाँ, पहले आप लोग देखे होंगे जब जगह लिए वहां पर दो मंजिले के मकान था गुरुदेव, वो दो मंजिल मकान में रहते थे। हाँ, रह करके वहीं से रोज गिरिराज, कुछ दिन गिरिराज में रहे, परिक्रमा करते थे, कभी कभी पानी भर जाता था। गुरुदेव कहते हैं कभी पानी में मैं जा करके ब्रजवासियों घर में दो एक रोटी ले करके, कभी एक स्टोव रखा था, कभी उसमें कभी थोड़ा खिचड़ी बना दिया, नहीं तो कभी हमने रोटी भिक्षा की। गोस्वामी लोगों ने जिस जिस रूप में भजन किया, एक बार महाराज जी बोल रहे थे जैसे गोस्वामी लोगों ने भजन किया, बोले संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसानि कृतौ निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चत्यंत दीन चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृति न मधुरिमान सन्महितौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्री जीव गोपाल। गुरु जी कह रहे थे गोस्वामी ने जैसे जैसे भजन किया, मैंने भी कभी गिरिराज गोवर्धन में रह करके रोज गिरिराज की परिक्रमा, रोज स्तुति स्थाप, रोज गोस्वामी ग्रंथ अध्ययन, हाँ करके मैं भी वहां पर ऐसे भजन किया हूँ गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव का सारा दुनिया में जो नाम है, गुरुदेव कहते थे कि गिरिराज की ही कृपा है, इनकी कृपा से ही जीव का सारी अभिष्ट पूरी होता है। कहते जो गिरिराज गोवर्धन, कहते गिरिराज गोवर्धन है कौन? कहते इनके बहु स्वरूप मानी गई है। कहते इनका जो प्रथम स्वरूप है, मतलब एक समय ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की। जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में चाहते हो? बोले ब्रज में। बोले किस रूप में? देखो ये ब्रज की कितने महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे इतने बड़े बड़े देवता। कहते प्रभु हम तो आपका कोई भक्त रूप में हम जन्म ले ही नहीं सकते हैं, अगर वहां पत्थर रूप में भी हमारा जन्म हो जाएगा हम अपना जीवन को धन्य मन करेंगे। तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर तीन पर्वत का रूप धारण किया है प्रभु की सेवा के लिए। इसलिए जो नंदगाम कौन है? बोले नंदीश्वर पर्वत है, स्वयं शंकर है और कोई नहीं, वो शंकर ही पर्वत रूप धारण किया। बोले ये बरसाना ये कौन है? बोले ब्रह्माचल पर्वत है, ये ब्रह्मा स्वयं पर्वत रूप धारण किया है। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले साक्षात भगवान विष्णु है जो कि श्री गिरिराज गोवर्धन का रूप धारण किया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए इनका एक स्वरूप किया ये साक्षात विष्णु है। बोले इनका दूसरा स्वरूप किया है? बोले ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए अभी हम श्रवण करेंगे, जब कृष्ण एक स्वरूप में तो पूजा की और दूसरे स्वरूप में पूजा ग्रहण किया है, और श्रीमान महाप्रभु जब गिरिराज शिला और गुंजा माला श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को पुरी में दिया है, महाप्रभु ने कहा रघुनाथ ये जो गिरिराज शिला, ये गिरिराज शिला नहीं, मैं तुमको कृष्ण दे रहा हूं, जो गुंजा माला ये गुंजा माला नहीं, ये श्री राधा रानी को मैं तुमको दे रहा हूं। इसलिए गिरिराज कौन है? बोले ये स्वयं कृष्ण है और कोई नहीं, कृष्ण स्वरूप है। कहते इनका तीसरा स्वरूप क्या है? कहते ये स्वयं राधा रानी कहां पर कह रही हैं? बोले वेणु गीत में बता रहे हैं। बोले हंताय अद्रियवला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम मानम तनोति सहगो गणयोर बयसै। कहती गिरिराज गोवर्धन कोई नहीं, बल हरिदास बर्जम,
मतलब जितने हरिदासों में ये गिरिराज सर्वश्रेष्ठ है, बोले तीन हरिदास मानी गई है, बोले एक है श्री युधिष्ठिर महाराज हरिदास, हरिदास बर कौन है, बोले श्री उद्धव जी, बोले हरिदास वर्गीय कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन, बोले क्यों, कारण किया, बोले कारण है उनका नाम किया, बोले गोवर्धन, गोवर्धन मतलब या गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गोपी, गो मतलब गाभी, गो मतलब नंद जसोदा, हाँ कहते इनकी वर्धन, मतलब इनको जो वर्धन करते हैं, इनको जो बढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, बोले ये कौन है, बोले गिरिराज है, बोले गैया कहाँ घास खाते, बोले गिरिराज में, बोले फल फूल कृष्ण को कहाँ मिलता, बोले गिरिराज में, बोले कहाँ से पानी पीते, बोले गिरिराज की झरना में, स्नान कहाँ करते, बोले गिरिराज में, राधा कुंड श्याम कुंड कुसुम सरोवर मानसी गंगा में स्नान करते हैं, बोले वहां पर लीला कहाँ करते हैं, बोले प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरते रचती नवजुन द्वंदम अस्मिन मंदम, कृष्ण कहाँ रास लीला करते हैं, कहाँ कुंज कुंज में कहाँ लीला करते हैं, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन में, वहां पर प्रभु ने बसंती रास किया, कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में प्रभु ने लीला की है, हाँ इसलिए फल फूल दूध दही सब कुछ वहीं मिलता है, कहते पेड़ में मधुमक्खी की छत्ता वहीं से मिलता है सहित, और वहां पर गन्ने का वृक्ष है वहीं से चीनी मिलता है, और गैया घास खा करके दूध देते हैं वहां पर अपने आप दही जम जाता है और अपने आप घी बन जाती है, हाँ इसलिए कृष्णा जब जाते हैं उनके लिए सुंदर मणि वेद, सुंदर मणि वेद प्रकट कर देता है, मणि वेदी रत्न सिंहासन आप देखे होंगे जहां पर कृष्ण विश्राम करते हैं, बोले हर तरह से ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण को हर तरह से सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम श्री गोवर्धन और हरिदास वर्ज्य है, इसलिए कहते ये गिरिराज गोवर्धन आए कहां से, ये आए कहां से, हाँ तब हमारे भविष्य पुराण में गर्ग संहिता में अलग अलग पुराण में इनकी अलग अलग कथा आती है, बोले एक समय गोलोक वृंदावन में श्री श्याम सुंदर राधा रानी को बोल रहे, बोले राधे मैं ये मर्त्य जगत में जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ में तेरे को जाना पड़ेगा, राधा रानी बोलती मैं नहीं जलती हूँ, बोले क्यों, बोले जहां पर यमुना महारानी नहीं, जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना नहीं, हाँ मैं वहां जाकर क्या करूंगी, तब भगवान ने कहा राधे चिंता मत करो, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मर्त्य जगत में जाऊंगा पूरा ये धाम को पूरा के पूरा उतार लूंगा, इसलिए जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो धाम सह अवतारी, पूरा धाम को साथ में भगवान पूरा लेकर के आए, इसलिए आप ब्रजमंडल में जो जो गांव जो जो स्थान सुनोगे सबके सुगलोक वृंदावन से आए हैं, इसलिए कहते हैं हमारे गर्ग संहिता में बताया, बोले प्रकृति ही मनसा जात, हाँ एक समय राधा और कृष्ण बैठे हुए, अभी वो सोच रहे हैं इतना सुंदर एक लीला स्थली हो जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ लीला स्थली हो, जहां पर हर तरह का वृक्ष, हर तरह का पेड़, हर तरह का फूल फल, जहां पर झरना हर तरह मिले, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान होनी चाहिए, तब श्री राधा रानी बोले अपना हृदय से कृष्ण सेवा के लिए ये गिरिराज गोवर्धन को हृदय से राधा रानी स्वयं प्रकट करती हैं, बोले श्री गिरिराज महाराज की, हाँ इसलिए राधा रानी के हृदय से गिरिराज प्रकट हुई है, इसलिए हमारे भविष्य पुराण का अनुरूप कहते श्री कृष्ण का नेत्र से ये गिरिराज गोवर्धन उनका नेत्र से गिरिराज प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी अलग 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 कथा अलग अलग पुराण में इनकी सुनने को मिलता है। अभी प्रश्न है, अभी कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन पूजा को प्रवर्तन क्यों करा है, कारण किया, बोले इसमें चार ही कारण बताया, हाँ इसलिए इसका प्रथम कारण बताए, जैसे ब्रजवासी इंद्र पूजा करते थे, कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद करवा दिया,
बोले इंद्र पूजा करने का जरूरत नहीं, पूजा करना तो किसको करो, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन को करो। इसलिए यहाँ पहला कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको और कोई देवा देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, दूसरे देवा देवी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको एकनिष्ठ होकर के केवल पूजा करे तो केवल कृष्ण को ही पूजा करे। गिरिराज स्वयं कृष्ण है, इसलिए उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं इंद्र। इंद्र कौन है? बस स्वर्ग का देवता और जितने सारे देवता जिनका अधीन है, इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा बंद करा दिया। मतलब जितने 33 करोड़ देवता उसका अधीन में, सब पूजा उन्होंने बंद करा दिया। कोई जरूरत नहीं जो पूजा पूजा करने का, करना तो ये गिरिराज गोवर्धन, इनका नाम किया है बोले सर्व अभिष्ट प्रदाता। जितने सारे इच्छा जो कुछ गिरिराज से मांगो, गुरु जी कहते हैं ना जिसकी बेटी की शादी नहीं होती है, बोले गिरिराज में जाओ, बोले क्या करो, बोले पेड़ में पेड़ बांध दो और गिरिराज से प्रार्थना करो बेटी की शादी हो जाए। जिसको जितना मंजिली मकान चाहिए, बोले क्या करो, बोले गिरिराज के पास में जाओ। हाँ आप देखे होंगे गिरिराज में जिसको जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए उतना शिला के ऊपर में उतना शिला रख देते हैं, आपको उतना मंजिली मकान मिल जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो गिरिराज की परिक्रमा करे, हाँ गिरिराज जो परिक्रमा करे, ठाकुर जी उसको पीछे 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 चलते हैं, ये मेरे से क्या मांगेगा, इतना परिश्रम कर रहा। इसलिए जो मांगता है परिक्रमा करते हुए भगवान उसको इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं गिरिराज तो सब चीज दे देते हैं, लेकिन एक चीज देना में थोड़ा हिचकते हैं। बोले क्या है, कहते अगर उनको सेवा मांगे, प्रेम मांगे, भक्ति मांगे, फिर देखते हैं इसको दू कि नहीं दू, क्योंकि भक्ति देने पर प्रभु को उनका वशीभूत होना पड़ता है। इसलिए ये चीज को वो सहज में प्रदान नहीं करते हैं। हाँ देते तो है, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके ये गिरिराज गोवर्धन प्रदान करते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए कहते ये पहला कारण क्या है, उन्होंने देवा देव को पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मा का भी छक्का छुड़ा दिया भगवान। ब्रह्मा का अधीन में और बड़े बड़े देवता रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा भी कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं जिनको चरण में सारे देवता आकर नाग रगड़े, सबको नाग रगड़वाया, वर्णों को भी नाग रगड़वाए, शंकर भी गोपी बन करके आए। हाँ सब देवता जिनके चरण में आकर के माफी मांगे। हाँ इसलिए पहला कहते, दूसरा शिक्षा ब्रह्म ने किया दिया गिरिराज गोवर्धन पूजा की प्रवर्तन करके, उनने शिक्षा दिया। ये इंद्र का अभिमान हो गया था, वो सोच रहा था मैं यहाँ ब्रजवासियों का राजा और ये जितने हैं सबके सब मेरे प्रजा है, उनका मन में ये अभिमान हो गया था। अगर मैं बारी नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा, ये सबके सब बिना खाए पिए मर जाएंगे। भगवान ने कहा तू होता है कौन, तेरे को इंद्रपद किसने दिया, हाँ ये बामन अवतार में तेरे को मैं बलि महाराज, हाँ बलि महाराज पूरा ले गए थे, मैंने तुमको ये इंद्रपद मैंने दिया और तू सोच रहे हो मैं हो गया राजा, ये सबके सब प्रजा हो गई, अभी तेरे को मैं दिखाता हूँ। इसलिए उनका जो अभिमान को उन्होंने घमंड को उतारने के लिए भगवान ने उसका पूजा को बंद करवा दिया। बोले जिनके चरण की जूती को मैं स्वयं धारण करता हूँ, नंद बाबा अगर कभी बोलते बोले लाला मेरे जूती थोड़ा ले आ, कृष्ण ठुमक ठुमक करके चलते हैं उड़ते पड़ते हुए, और नंदा बाबा का जूती को सिर पर रख करके नाचते नाचते आते हैं। हाँ बोले जो मैया जसोदा मेरे को कान पकड़, दूसरा दुनिया का कान मैं पकड़ता हूँ और मेरे कान को तो मैया पकड़ती हैं और उठाती है बैठाती है, सारा दुनिया में अभी मेरे कोई बांध नहीं सके, लेकिन मैया जसोदा हमें प्रेम डोरी में मैया जसोदा बांध लेती है। जिस ब्रज गोपियों को चरण में प्रेम की भीख मांगता हूँ, जिन सखाओं को मैंने झूठन खाता हूँ, और तू सोच रहे हो वो हो गए प्रजा और तू हो गए राजा, अभी दिखाता हूँ। और ब्रज का एक धूल में, हाँ ब्रज के एक धूल में इतना शक्ति है, कितने ऐसे इंद्र को प्रकट कर सकते हैं। वृंदावन के लता पता वृक्षों में इतने शक्ति है, कितने इंद्र कितना वैकुंठ प्रकट कर सकते हैं, और तू सोच रहे हो ये ब्रजवासी सब प्रजा तू राजा हो गया। इसलिए इसका इसका दूसरा कारण ये था। हाँ और तीसरा कारण था, भगवान की इच्छा है मैं 7-7 दिन तक ये ब्रजवासी मेरे हैं,
ये राधा रानी और कोई नहीं, मैं ही अभिन्न स्वरूप में राधा रानी। राधा रानी की एक एक भाव ही ये ब्रज की गोपियां हैं, और मेरा ही काय भी स्वरूप में ये सब के सब सखा है, ये मेरे पिता माता भाई बंधु है, इस कोई मेरे से अलग नहीं। मैं चाहता हूँ इनको साथ में एकत्र 7 दिन तक मैं निवास करूं और इनको साथ में थोड़ा आनंद लूं। हाँ, एक साथ में अगर गिरिराज धारण करेंगे सबके सब आ जाएंगे, इसलिए तीसरा कारण है। और चौथा जो कारण है ये सर्वश्रेष्ठ उनका ही कारण है। बोले क्या कारण है उनका कारण है, बोले जय जय ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जा ब्रजते प्रचार श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम। इसलिए प्रभु का जितने सारे लीला में जो रास लीला ये सर्वश्रेष्ठ लीला है। अभी भगवान सोच रहे हैं अभी मैं रास लीला करूंगा, लेकिन रास लीला तो अकेले नहीं कर सकता हूँ जब तक ये ब्रज गोपियां नहीं हो। हाँ, हमारे गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे एक हीरो हीरोइन को आकर्षण करने के लिए वो कुछ बहादुरी दिखाना पड़ता है। हाँ, जैसे कभी कभी क्या करता है वो हीरोइन को आकर्षण करने के लिए कुछ लोग को इकट्ठा करेगा, वो इकट्ठा करके उसको सामने सबको साथ में लड़ाई करेगा और लड़ाई करके सबको मार मार कर भगा देगा। जब भगा देगा वो हीरोइन देखेगा बाबा रे इतना शक्ति इसके अंदर, सबको भगा दिया कह तो अपने आप आकृष्ट हो जाएगी। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मेरे को ऐसे एक लीला करनी चाहिए जिस लीला को देख कर कि ये ब्रज गोपियां मेरे प्रति एकदम आकृष्ट हो जाए। हाँ, इसलिए कहते उन्होंने 2 लीला की है इसके लिए। बोले क्या लीला किया, बोले उन्होंने काली नाह को नथा भगवान ने दिखाया, कोई गिलास या के ऊपर नाचते हैं, कोई रस्सी के ऊपर नाचते हैं, कोई सिर पर कलसी को लेकर नाचते हैं, कोई तलवार के ऊपर नाचते हैं। देखो जितने नाचने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूँ, जो सांप को सिर के ऊपर जो नाचता हूँ, 1000 सिर के ऊपर उन्होंने ऐसे नृत्य किया। हाँ, ऐसे उसने नृत्य किया, उसको सारे सिर को बचाते हुए श्री सूरदास कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली पम 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 फन पऊ पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधुआली तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण सब देत ताली तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमान। उन्होंने ऐसे नृत्य किया, राधा रानी ब्रज गोपी देख देख करके बोले हे भगवान क्या नृत्य, सांप को सिर को पर नृत्य। हाँ, सांप कितने भयंकर है। हाँ, उसको सिर को पर नृत्य, ये कोई साधारण बात है। सब ब्रज गोपियां सब के सब कृष्ण को चरण में लूट गए सब के सब। और जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया, कितने बड़े गिरिराज गोवर्धन, बोले ये 21 मील 7 क्रोस। कृष्ण कितना दिन के थे, बोले 7 साल के। बोले कितने दिन तक धारण किया, बोले 7 दिन। 7 साल का बच्चा, हाँ, 7 क्रोस गिरिराज गोवर्धन और 7 दिन। आपको 1 मिनट बोलो हाथ कैसे करे, बोले 5 मिनट करो, हम नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए और कृष्ण ने इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन 7 क्रोस आप लोग गए। पहले तो गिरिराज बहुत ऊंचाई थी, अभी तो पुलस्त्य ऋषि के अभिशाप से वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, क्षय होते जा रहे हैं। जिस समय गिरिराज साधारण नहीं था, क्योंकि संपूर्ण 84 क्रोस ब्रजवासी जिनको नीचे आ गए, कोई साधारण नहीं था गिरिराज गोवर्धन। हाँ, इसलिए कोई कोई बोलते है ना, अरे साई बाबा भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान। हाँ, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, बोले साईं बाबा भगवान, कृष्ण ने गिरिराज धारण किया था, उनको ऊपर 10 क्विंटल एक पत्थर लाकर लद दो तो सारे भगवान भगवान निकल जाएगा सब। भगवान कह रहा है, और भगवान कालियों का सिर पर प्रभु ने नृत्य किया, जहां पर पानी जहां उबलता था, कोई ऊपर में चिड़िया नहीं जा सकता था,
भगवान वो काले सिर पर नृत्य किया, काले द्रह में कूद पड़े। अभी भगवान कह रहे, थोड़ा मुंह में जहर देकर देखा तो सारे भगवान भगवान कहां जाएगा। इसलिए और भगवान ने क्या किया, बोले तीन तीन बार ब्रज में आग लगी, भगवान ने सारे अग्नि को पान किया। बोले जिसको अभी भगवान कह रहे मुंह खुद आग लगा कर देखो, सारे भगवान निकल जाएगा, भगवान भगवान से। इसलिए भगवान संबंध में जीव को कोई ज्ञान नहीं। इसलिए अमुक भगवान तमुक भगवान 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 कह रहे, भगवान संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए कृष्णा जब गिरिराज गोवर्धन का उदाहरण किया, उदाहरण दिया जैसे एक छोटा बच्चा कोई गेंद को जैसे उछालता है, छोटा बच्चा जैसे गेंद खेलता है, ऐसे उन्होंने विशाल गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। ब्रज गोपियां राधा रानी देख देख कर गए, भगवान इतना पराक्रमी, हाँ इतना बड़ा काम। फिर तो रासलीला के लिए सब तैयारी हो गया, क्योंकि सबके सब ब्रज गोपियां कृष्ण चरण में लूट गई सबके सब। फिर उनको उसको बाद में प्रभु ये रासलीला प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहती है चार कारणों को लेकर के भगवान ने ये गिरिराज गोवर्धन धारण किया। और भी बहुत कारणों को स्वामी लोगों ने कहीं कहीं बताए। बोले श्री गिरिराज महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ और पता नहीं क्या टफू की सब्जी पनीर का सब्जी और क्या केक और ब्रेड और पिज्जा पास्ता क्या क्या सब बना रहे। इसलिए क्या क्या सब मैया कन्हैया जाकर बोले मैया मैया बोले हर साल तो गिरिराज पूजा हो रही है, कृष्ण 7 साल के हो गए, हर साल तो वो देखते देखते आ ही रहे थे हाँ, लेकिन इस साल क्यों पूछ रहे, हर साल तो देखते देखते आए, चाह रहे हैं ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा की प्रवर्तन करना चाह रहे हैं। इसलिए कृष्ण जाकर के बोले मैया मैया कल क्या मेरा जन्म तिथि है, आज तू रात भर ये सब बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हो। बोले नहीं तेरा जन्म तिथि नहीं। बोले दाऊ भैया का जन्म तिथि। बोले नहीं। बोले फिर बोले जा बाबा के पास में जा, ए बच्चो ये नहीं करना, कथा सुनो, मैं बाद में पूछूंगा क्या कथा सुनाया, आई कैन आस्क आफ्टर व्हाट आई टोल्ड यू ओके। इसलिए अभी श्री वो तो हर साल पूजा करते हुए आ रहे, लेकिन मैया ने कहा जाओ पिताजी को पास में जाओ, पिताजी को पूछो। अभी कृष्णा नंद बाबा को पास में गए और नंद बाबा का गोद में बैठी गए, नंद बाबा का गोद में बैठी करके दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया ये रात भर ये सब खाना पीना क्यों बना रही है, क्या कल मेरा जन्म तिथि है, नहीं तो दाऊ भैया का। बोले नहीं। बोले फिर किस लिए इतना सो अरेंजमेंट हो रहा है। तब नंद बाबा ने कहा बोले बेटा हम इंद्र की पूजा करेंगे। बोले बाबा इंद्र को क्यों पूजा करोगे। बोले बेटा इंद्र स्वर्ग का राजा है और उसका अधीन में ये जितने मेघ है ये सब के सब उसको अधीन में रहते हैं और इंद्र का आदेश में ये उपयुक्त समय पर बारी बरसाने पर ये घास होता है, गैया घास खाते हैं, फिर दूध देते हैं, दूध से दही, फिर मक्खन, फिर उससे राबड़ी और उससे फिर बनता है घी। हम गोपाल है, हमारा मूल धन गैया है, इसलिए हम सबके सब इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण ने प्रश्न किया बोले बाबा जहां पर ये इंद्र पूजा नहीं हो रहा है क्या वहां बारिश नहीं होती है। बाबा तो चुप। बोले कैसा अटपटा सा प्रश्न कर रहा है। बोले कैसे प्रश्न है बाबा, तो एक प्रश्न से चुप कर दिया नंद बाबा को। बोले हाँ बारिश होता होगा। बोले यदि अगर बारिश होता ही होगा फिर अगर वो अगर इंद्र पूजा नहीं करते फिर हमको इंद्र पूजा करने का क्या जरूरत है बाबा। बोले बाबा ये जो इंद्र है ये सब कुछ नहीं है, इसका जो मूल है ये भगवान है। जब ये कोई इंद्र को कोई पूजा करे, जब इंद्र फिर वो प्रश्न करते हैं भगवान से, अगर भगवान उनको आदेश दे फिर ये बारिश बरसा सकता है। इसलिए इसका अपना गांठ में अपना पास में कुछ है ही नहीं बाबा। बोले बाबा ये ब्रज की महिमा आपको पता नहीं, ब्रज का एक धूल में इतना शक्ति कितने इंद्र को प्रकट कर सकता है।
बोले बाबा ये जो गिरिराज गोवर्धन आप दर्शन कर रहे हो, बोले ये गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये हमारे ब्रज का ये देवता गिरिराज गोवर्धन, इनकी कृपा से हम श्री ब्रजवास कर रहे हैं। बोले बाबा अब फल फूल दूध दही कहाँ से सब मिल रहा है, बोले ये सब के सब गिरिराज से मिल रहे हैं। बोले यार गैया कहाँ घास खाते, बोले गिरिराज से। बोले पानी हम कहाँ से पी रहे, बोले गिरिराज से। बोले स्नान कहाँ करते, बोले गिरिराज में। बोले वहां पर सहेद और जो कुछ फल मूल कहाँ से मिलता, बोले गिरिराज से। बोले जब हम सब गिरिराज से ही मिलता है, पर ये इंद्र कौन होता है। बोले बाबा जीव अपना कर्म का फल भोग करता है, हम जो कर्म किया कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर कृष्ण कर्म बाद को स्थापन इसलिए कर रहे हैं ये इंद्र पूजा बंद करने के लिए, हाँ इसीलिए उन्होंने, इसलिए बोले बाबा आप श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इनकी कृपा से सब कुछ मिलता है। बोले मेघ आकर के, बोले गिरिराज इतनी ऊंचाई थी, बोले मेघ आकर के गिरिराज में टकराता है, टकरा करके फिर बारिश हो रही है, इसलिए जो कुछ हो रहा है ये बारिश बारिश ये गिरिराज की कृपा से, ये इंद्र की कृपा से नहीं। कृष्ण ने एक श्रेष्ठ बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, बोले बाबा इंद्र को कितना साल से पूजा कर रहे हो, बोलो बड़े साल से। बोले इंद्र को जो भोग लगा तो खाते हुए कभी देखे हो, बोले नहीं। बोले बाबा अगर ये गिरिराज को भोग लगाओगे ना, आप स्वयं इन्हीं आंखों से देखोगे ये गिरिराज प्रकट होकर के, आप जो कुछ भोग लगाओगे उसको खाते हुए देखोगे, आप इनको पास में जो कुछ वरदान मांगोगे ये स्वयं प्रकट होकर के आपकी सारी इच्छा को पूरी करेंगे। नंद बाबा राजी हो बेटा, हमने कभी इन्हीं आंखों से देवता नहीं देखा, ये स्वयं प्रकट होकर खाएंगे देखेंगे। बोले हाँ, बोले हम तो कभी देवता देखा ही नहीं। बोले ठीक, फिर तो हम श्री गिरिराज की गोवर्धन का हम पूजा करेंगे। तब उन्होंने बोल दिया नाई को, बोल जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, हम इंद्र पूजा नहीं कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। और जितने कृष्ण ने कहा पिताजी गिरिराज की पूजा के लिए अलग कुछ बनाने का जरूरत नहीं, अब इंद्र के लिए जो जो कुछ बनाए वही चीज अब गिरिराज को पूजा में लगा। बोले क्यों, बोले इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, अगर आपका खाना अगर कोई खा ले क्रोध आ जाएगा, इसलिए उसको क्रोध दिलाने के लिए बोले अलग कुछ बनाने का जरूरत नहीं, जो इंद्र के लिए वही बनाओ। फिर तो जितने ब्रजवासी थे सब के सब रात भर बढ़िया बढ़िया मालपुआ लड्डू कचौड़ी और चावल तो चार तरह का बनाया। बोले क्या क्या चावल, बोले एक चावल मटर पनीर डाल करके बढ़िया, और एक में मीठा डाल करके, और एक फीका डाल करके फीकी, और एक नमकीन चावल। बोले चार तरह का तो चावल बनवाए। बोले दाल तो पांच तरह का दाल बनवाए, एक उड़द का दाल और एक है मूंग दाल, एक अरहर दाल, एक छोला दाल, एक मटर दाल, पांच तरह का तो दाल बनवा दिया हाँ। और कितने तरह का रसा, पनीर का रसा, मटर का रसा, कटहल का रसा, और कितने कितने तरह का रसा वहां पर बनवाए, और कितने तरह का चाटनी, आम का चाटनी, टमाटर का चाटनी, सौंठ का चाटनी, कितने तरह का चाटनी, कितने तरह का साग, बथुआ की साग, मेथी की साग, पालक की साग, जितने तरह का साग बन सकता है। और कढ़ी तो दो तरह का बना दिया हाँ, कढ़ी कोई बनाकर लाए कि नहीं, कढ़ी दो तरह का बनाए। बोले एक सुहागिनी कढ़ी और एक राड कढ़ी। बोले सुहागिनी कढ़ी बोले जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाए, और राड कढ़ी जिसमें बिने पकौड़े के हाँ, दो तरह का कढ़ी। बोले दो तरह का चूरमा बनवाए, एक हसना और एक रोना। बोले हसना मतलब एक होता है हाँ, दाल बाटी चूरमा होता है चूरमा, कहते उसको पतल में रखो जो खिल जाए, कहते हसना। बोले रोना बोले जिसे घी टपकता है हाँ, इसलिए दोनों तरह का। और जितने तरह का मिठाई केक, कितने तरह का केक आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर माता ही बनाती है, जितना तरह का केक बन सकता है, जितने तरह का पिज्जा पास्ता और टफू का सब्जी और क्या बनाते हैं यहाँ पर, सोया का सब्जी और हाँ रसगुल्ला गुलाब जामुन और रस मलाई बर्फी जलेबी जलेबी खीर हाँ खीर बना करके लाए। इसलिए जितना तरह का देखो ब्रज में है ना,
जितने इसी जगत में जो जो खाना हमको जो अलग अलग मिलता वो कहाँ से आया? पहले श्री राधा रानी कृष्ण के लिए बनाती थी, मैया जसोदा कृष्ण के लिए बनाई, वहीं से ही सबके सब सीखे हैं। हाँ, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोले अन्नकूट। बोले अन्नकूट मतलब क्या? बोले कूट मतलब पर्वत है, अन्न मतलब अन्न, रोटी का पहाड़, चावल का पहाड़, कचौड़ी की पहाड़, पहाड़ के पहाड़। कितने गांव से लाए? बोले 365 गांव है ब्रज में, तरली बरली सही परसो, ऊंचा गांव नीचा गांव, वहां पर कितने अब लोग जाते हो वहां पर, इतने लाए पूरा गिरिराज गोवर्धन, तो प्रसाद प्रसाद से पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। भगवान कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पुरुष सुक्त मंत्र पढ़ करके बड़े अच्छे तरह से गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने अभिषेक करवाए। अभिषेक करके गिरिराज को सुंदर श्रृंगार, जैसे देखो यहाँ श्रृंगार किए गिरिराज गोवर्धन को, सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, माला पहनाए, चंदन टीका सब कुछ पहना करके गिरिराज गोवर्धन को, और जो कुछ कुछ खाना लाए थे उसमें तुलसी पत्ता दिए, तुलसी पत्ता दे करके भगवान उसको आसन पाद्य दे करके आह्वान किया। आह्वान करके जब गिरिराज को उन्होंने अर्पण किया, इदम सहृद नैवेद्य श्री गिरिराज आय स्वाहा, जब बोले सचमुच से गिरिराज विशाल स्वरूप लेकर के प्रकट हुए, सबके सब देख रहे थे, वो आकाश को स्पर्श कर रहा था गिरिराज गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज महाराज की, और गिरिराज हाथ पसार पसार करके खा रहे थे। हाँ, सबके सब खा रहे थे, मिनट में सब कुछ खा लिया, और बोले आनोरे आनोरे और लाओ और लाओ और लाओ। इसलिए आप लोगों को पता आनर गांव है परिक्रमा को पहले, हाँ, इसलिए उसका नाम पड़ गया आनर गांव। बोले पानी तो तालाब के तालाब पानी पी लिया। अभी गिरिराज खुश हो गए, उनको तांबूल दिया, गिरिराज प्रसन्न हो गए। बोले ब्रजवासियों बर मांगो, जो कुछ मांगना चाहते हो बर मांगो। अभी जिसका मन में जो कुछ इच्छा था गिरिराज से प्रार्थना किया, और गिरिराज सभी की इच्छा पूरी कर दिए। लेकिन ये ब्रजवासी कौन है? बोले ब्रजवासी है, हाँ, ब्रजवासी मतलब जिनका प्राण कृष्ण ही है, कृष्ण जिनका सब कुछ है। उन लोगों ने गिरिराज से प्रार्थना किया, बोले हे गिरिराज, हमारे लाला कन्हैया के ऊपर में ये बारंबार बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ती हैं, अब आशीर्वाद करो, हमारे लाला सुखी रहे। भगवान खुद खुद आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है, तुम्हारा लाला सुखी रहेगा। हाँ, अभी सब कुछ मांग लिया, गिरिराज ने कहा मैं अपना तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। ब्रजवासियों ने कहा बताइए अब क्या देना चाहते हैं? बोले ये अन्नकूट का महोत्सव में आज जो एक भी चावल का किनिका किसने अगर मेरे सेवा में लगा दिया तो मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में उनके घर में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इतने में कृष्ण ने कहा, बोले भैया खूब खाओ, पेट भर करके खाओ, और जितने बड़े बूढ़ी है उनको बैलगाड़ी में बैठा दो, और जितने जवान हैं सब मृदंग और करताल ढोल की लो ले करके चलो, हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। हाँ, अभी हम भी परिक्रमा करेंगे गिरिराज गोवर्धन की, यहाँ साक्षात गिरिराज गोवर्धन यह है ही है। हाँ, इसलिए अभी कहते परिक्रमा दो तरह का है, एक शरीर से और एक मन से करते हैं, दो तरह का परिक्रमा है। हम यहाँ से शरीर से भी करेंगे और मन को द्वारा भी गिरिराज गोवर्धन की हम परिक्रमा लगाएंगे। आप बोलोगे क्या मन मन में परिक्रमा करने से फल मिलेगा? हाँ, कोई प्रश्न करेगा, बोले हाँ मन मन में भगवान की, लेकिन ये जगत में मन मन में कुछ कर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के लिए अगर कोई मन मन में भी कोई परिक्रमा कर दे इसका फल भी उसको प्राप्त होएगा। तो प्रभुपाद ने यहाँ कहती है ब्रह्म वैवर्त तो पुराण से एक कहानी को प्रभुपाद ने बोला, मन मन में भी प्रभु के लिए कुछ करो तब भी आपको फल मिलेगा। वो कथा है, बोले एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उसको मन में तो बड़ी इच्छा होता था हम ठाकुर का सेवा पूजा करें, लेकिन पास में कोई पैसा नहीं। एक दिन उन्होंने सत्संग में सुना है अगर भगवान को कोई मन मन में भी कोई चीज सेवा करो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं।
तब खुश हो गए, तब उन्होंने घर में आकर के वो ठाकुर जी का सेवा, वो मानसिक रूप में ठाकुर को सेवा करता था। एक दिन ऐसे सेवा करते करते एक दिन ठाकुर को सामने आसन बिछा करके बैठा और आंख बंद करके सेवा करते 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 उसमें इतने डूब गया, सोचा आज भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनवाएंगे, मन मन में मंदिर बनवाया, बोले सुंदर सिंहासन बनवाएंगे, रत्न से सिंहासन बनवाया, फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे, गंगा पानी के द्वारा उन्होंने भगवान को स्नान कराया, बोले भगवान को बड़े सुंदर सोने की जरी का एम्ब्रॉयडरी काम जिस मखमल वाले कपड़े में आज ठाकुर को श्रृंगार कराएंगे, उन्होंने ठाकुर का श्रृंगार किया, अब श्रृंगार करके भोग लगाएंगे, सोचा ठाकुर जी का आज खीर भोग लगाएंगे, हाँ बढ़िया सुंदर खीर और सोने के कटोरी में, हाँ कुछ नहीं मन मन में सोच रहा है ठाकुर जी को सोने की कटोरी में तुलसी पत्ता दे करके, अभी ठाकुर को जो भोग लगाएंगे नियम है, ठाकुर को सेवा आत्मवत करनी चाहिए, आत्मवत मतलब जैसे हम एकदम गर्मी गर्मी नहीं खा सकते हैं, ठाकुर जी को भी एकदम गर्मी गर्मी नहीं देनी चाहिए, गर्मी में ठंडा ठंडा में गर्मी चीज देनी चाहिए, सोचा ये खीर गर्मी ना ठंडा है, अभी उसको परीक्षा करने के लिए उसने अंगुल डाले, अंगुल डाला तो वो खीर था एकदम गर्मी, अंगुल डालते ही उनका हाथ फुफला पड़ गया, जल गया अंगुली, और जो ध्यान में बैठा हुआ था ध्यान टूट गया, ध्यान टूट कर देखा वहां तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भाव सेवा कर रहा था, देखा अंगुल जला हुआ है, अगर कोई चीज में अंगुल जल गया फुफला पड़ गया मतलब ये वस्तु हो गया अपवित्र, फिर ये ठाकुर को सेवा में लग नहीं सकता है, अभी बैठ बैठ कर रो रहा है आज ठाकुर को मैंने कुछ खिला नहीं पाया, इतने में बैकुंठ में नारायण बैठ करके रो देख रहे हैं और हंस रहे थे, लक्ष्मी चरण पलट रही थी, लक्ष्मी ने पूछा प्रभु आप हंस रहे हैं क्यों, तो नारायण ने सारी कथा सुनाया, मेरा एक भक्त मर्त्य जगत में बैठ करके भाव सेवा कर रहा था, खीर में अंगुल डाल दिया हाथ जल गया, इसलिए दुखी हो रहा है ठाकुर जी का आज में भोग नहीं लगा पाया, बोले प्रभु आपके इतने बढ़िया बढ़िया भक्त रहते हैं मर्त्य जगत में, बोले हाँ, बोले मेरे को ले चलो दिखाने के लिए, फिर नारायण और लक्ष्मी को लेकर के दिखाने के लिए आए, देखा बैठ करके रो रहा है, फिर भगवान वो भक्त को उठा करके गरुड़ को पीठ पर बैठा है और सीधा उसको बैकुंठ ले गए, हाँ इसलिए अगर प्रभु की मन मन से अगर ठाकुर को सेवा करो तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर देते, इतने कल्याण ठाकुर जी, इतने ठाकुर जी दयालु है, इसलिए अगर हम यहाँ मन मन में भी गिरिराज बैठे रहो यहाँ पर, लेकिन मन के द्वारा कहाँ पहुंच जाओ, बोले गिरिधारी गौड़िया मठ में और दान घाटी में, अब लोग गए हो सबके सब दान घाटी, इसलिए मन मन में सबके सब दान घाट से चलो और वहीं से हम परिक्रमा करेंगे, ठीक है अभी मन मन में वहां पर चलो, अभी वहां प्रणाम करो, गए कि नहीं गोवर्धन में, पहले हम दान घाट से ये परिक्रमा शुरू करेंगे, इसलिए सबके सब प्रणाम करो दान घाटी को, बोले श्री दान घाटी की जय, हाँ बोले वहां पर दान घाटी क्यों नाम पड़ा, कृष्ण ब्रज गोपियों से दूध दही के दान लेते थे, फिर आगे चलो आएगा दान निवर्तन कुंड, यहाँ तो कृष्ण गोपियों से लिया, वहां गोपियां उल्टा कृष्ण से दान लिया, इसलिए उसका नाम दान निवर्तन कुंड, वहां भी प्रणाम करो, बोले से दान निवर्तन कुंड की जय, आगे चलो आनर गांव संकर्षण कुंड, फिर गोविंद कुंड आएगा, हाँ गोविंद कुंड का पानी लो आचमन लो, बोले श्री गोविंद कुंड की जय, आगे चलो, आगे चलते चलते आएगा पुछरी की लौटा आएगा, जहां पर अप्सरा कुंड नवल कुंड, जहां पर हम बैठ कर हरि कथा सुनते हैं, हाँ भगवान जहां पर बासन तिरास किया है, हाँ उसके अपना पुछरी की लौटा मतलब हम ऐसे गए अभी लौटेंगे, ऐसे ऐसे परिक्रमा करते हुए आ जाएंगे, इसलिए उसका नाम पुछरी मतलब ये गिरिराज का पूछ बताया गया है, इसलिए उसका नाम पुछरी की लौटा है, बोले श्री पुछरी के लौटा की, बोले अप्सरा कुंड नवल कुंड की जय, वहां पर आपका आएगा जहां पर बैठ कर हम भोजन करते हैं, कहां पर भोजन करते हैं, बोले वहां पर श्री सुरभि कुंड है, हाँ बोले सुरभि गाभी को अनुगत में ब्रह्मा कृष्ण के पास में माफी मांगने के लिए आए, वहां आचमन लेने से सारे अपराध दूर हो जाता है, वहां पर प्रणाम करो और आचमन लो, बोले श्री सुरभि कुंड की जय, आगे चलो जतिपुरा
जहां पर माधवेंद्रपुरी भजन किया जटिल संन्यास थे, जहां पर श्री गोपाल जी को श्री नाथ जी को उन्होंने प्रकट किया है। बोले श्री नाथ ठाकुर जी की, गोपाल जी की जय, माधवेंद्रपुरी की जय। आगे चलो, बड़ी परिक्रमा खत्म हो जाएगी, फिर छोटी परिक्रमा आएगी। छोटी परिक्रमा में पहले को क्या आता है, उद्धव कुंड है, जहां पर उद्धव जी घास बन करके गोपियों की भाव को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। वहां पर आचमन लो, उद्धव कुंड का आचमन लो और वहां पर प्रणाम करो। बोले श्री उद्धव कुंड की जय। आगे चलो, राधा कुंड श्याम कुंड आएगा। ये श्याम कुंड राधा कुंड नहीं, राधा कृष्ण दोनों यहाँ पर कुंड रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का सारे तीर्थों का पानी ये राधा कुंड श्याम कुंड में विद्यमान। वहां पर श्री जानवा ठाकुरानी की भजन कुटीर, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर, महाप्रभु का बैठक स्थान और राधा कुंड कृष्ण कुंड का संगम। अब लोग गए हुए सबके सब, नियम है पहले राधा कुंड में स्नान करनी चाहिए। डुबकी लगाओ राधा कुंड में, मन मन में डुबकी लगाओ। बोले श्री राधा कुंड की जय। उसके बाद में फिर कृष्ण कुंड में स्नान करो। फिर क्या करनी चाहिए, फिर राधा कुंड में स्नान करनी चाहिए। हाँ, पानी ठंडा है और कानों में पानी नहीं चले जाए, कानों में अंगुल डाल करके इसमें स्नान करो। इसलिए अभी स्नान हो गया, अभी आगे चलो। फिर आगे आएगा मानस, आएगा कुसुम सरोवर, जहां पर ब्रज गोपियां सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके राधा रानी को माला बना करके राधा रानी को पहनाए करते थे। बोले श्री कुसुम सरोवर की जय। आगे चलो, आएगा श्री नारद कुंड, किल्लोल कुंड और ग्वाल पोखर, रत्न वेदी, श्याम तलैया। अब जब गए हो, मन मन में सबके सब वहां प्रणाम कर लिया करो। फिर आगे चलो, आएगा चकलेश्वर महादेव, फिर आएगा श्री सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, प्रणाम करो और मानसी गंगा, वो मानसी गंगा का पानी सिर पर लगाओ। वहां स्नान करने पर गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। अभी वहां पर श्री मुखार बिंद है, जहां पर गिरिराज को गुरुदेव, जहां पर गिरिराज को अभिषेक हम करवाते हैं। इसलिए आप लोग प्रणाम वहां पर करो। नियम है जब परिक्रमा हो जाए वहां हरिदेव को दर्शन करनी चाहिए। जो हरिदेव है ये गिरिराज का ये अपना स्वरूप है, जहां पर कृष्ण खड़े होकर के ये गिरिराज गोवर्धन धारण किया। नियम है हरिदेव को दर्शन करके फिर परिक्रमा का पूरी फल मिलता है। इसलिए श्री हरिदेव को प्रणाम करो और उनसे माफी मांगो। परिक्रमा करते करते अगर कोई अपराध बन गया तो उनसे माफी मांगो और उनको चरण में भक्ति की प्रार्थना करो और उनकी चरण की सेवा को प्रार्थना करो और राधा रानी की अनुगत्य से हाँ बोले हा देवी का कुभर गद गद्य आद्य बाचा जाचे निपत्त दनवत उद्भट आरती अस्य प्रसाद मबुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्वी की निज गणी गणनाम पिते। गुरु जी हर समय ये श्लोक को बोलते थे। इसलिए हम श्री गिरिराज से प्रार्थना करें राधा रानी के अनुगत्य में, हे राधे आपका जो सेवक है, आपका जो रजिस्टर होगा, आपका सेविका का नाम लिखा होगा, कहते हमारा नाम को सबसे नीचे हमारा नाम लिख लो। बोले हे राधे रानी आप कृपा करके अपना गण में हमें गणित कर लो। कहते यही हमारी अंतिम, यही फल है, यही हमारी इच्छा है। इसलिए श्री गुरु जी की अनुगत्य में श्री गिरिराज से यही प्रार्थना करो। बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ, इसलिए गिरिराज सब इच्छा को गिरिराज पूरी करते हैं। अभी हम गिरिराज को इसको ऊपर रख दिए प्रभु जी, रख करके बीच में रखो। अब सब लोग जाओ, सब जो सामान बना बना करके लाए हो सिर पर लेकर के आओ। हाँ, सिर पर लेकर के आओ, हम गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर बीच में रख करके प्रभु जी, यहाँ पर बच्चे लोग उठा, ये 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 गिरिराज को और इसको उठाओ, उसको लेकर के जो आसन को लेकर के वहां बीच में रखो। क्या हमारा उस तरफ कर दो, इस तरफ प्रभु जी माइक बंद कर दिया। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। गुड़ी गुड़ी हरे कृष्ण हरि बोल। माइक पीछे माइक बोल दो।
पिछले माइक बोल हरे कृष्णा हरि बोल हाँ हरे कृष्णा। जब फिर मैं कल जा रहा हूँ जर्मनी, वहां से जब वापस आऊंगा